नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष ही महत्व है। यह पर्व हर वर्ष आश्विन माह में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, वहीं समापन शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को होता है। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं, वहीं जीवन में खुशियों का आगमन होता है। शारदीय नवरात्र के दौरान विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से बिगड़ी किस्मत भी चमक सूखती है। अगर आप भी आर्थिक तंगी समेत जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से निजात पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्र के दौरान ये 4 चीज़ें अवश्य ही अपने घर में लाएं। चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें इस शारदीय नवरात्र लाने से मां जननी की कृपा हम पर होगी। चलिए जानते हैं। अगर आप जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्र के दौरान चांदी से निर्मित माँ दुर्गा की प्रतिमा जरूर घर पर ले आएं। आप अपनी सुविधा के अनुसार नवरात्रि के किसी दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा घर ला सकते हैं। अब माँ की प्रतिमा से स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में व्याप्त नकारात्मक एवं वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्र के दौरान डमरू घर पर ले आएं। वहीं पूजा के समय विधि विधान से डमरू की पूजा करें। इसके बाद पूरे घर में डमरू बजाएं। इस उपाय को करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, साथ ही घर में सुख एवं समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप काली साया या फिर बुरी नज़र से परेशान हैं तो शारदीय नवरात्र के दौरान किसी भी दिन घर पर त्रिशूल ले आएं। आप चाहें तो त्रिशूल को घर के मुख्य द्वार पर भी स्थापित कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो छत पर भी त्रिशूल स्थापित कर सकते हैं। त्रिशूल लाने के बाद विधि पूर्वक पूजा करें उसकी। इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। सनातन धर्म में शंख का विशेष ही महत्व है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को शंख अति ही प्रिय है। माँ दुर्गा अपने एक हाथ में शंख धारण कर रखती हैं। वास्तु जानकारों की माने तो घर पर शंख रखने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही दुख एवं संकट भी दूर हो जाते हैं। इसके लिए शारदीय नवरात्र के दौरान घर पर शंख अवश्य ही लाएं। वहीं सुविधा के अनुसार शंख की पूजा भी करें। वास्तु दोष को दूर करने के लिए पूजा के समापन पर शंख अवश्य ही बजाएं। दोस्तों, इस शारदीय नवरात्रि इन 4 वस्तुओं को आप अपने घर पर लाएं। वास्तु दोष के साथ साथ घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा तथा माता की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहेगी। जय माता दी। धन्यवाद।